गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिस्टर लाफ मिलन लिक्विड लिपस्टिक लगाने के बारे में बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा। लिक्विड लिपस्टिक की बात ही अलग होती है, ये लगाने में आसान है और फैलती भी नहीं है। यही कारण है कि लड़कियां इसे अपने वैनिटी बॉक्स में ज़रूर रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए लिक्विड लिपस्टिक लगाना आसान नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए मैं लाई हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड। यदि लिपस्टिक लगाने के बाद आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं और लिपस्टिक भी ठीक से नहीं लगती, इसका मतलब आप लगाते समय कोई ना कोई गलती ज़रूर कर रही हैं। खैर, आपकी इसी गलती को सही करने के लिए मैं लाई हूँ कुछ इजी स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एक जेंटल लिप स्क्रब से लिप्स को एक्सफोलिएट करें, जिससे आपकी डेड स्किन सेल्स निकल जाएं और आपके लिप्स नरम और मुलायम हो जाएं। स्टेप नंबर 2, लिक्विड लिपस्टिक का मैट फार्मूला लिप्स ड्राई इफेक्ट देता है, इसलिए इस लिपस्टिक को लगाने से पहले लिप्स को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप वैसलिन लिप थेरेपी विटामिन ई ओरिजिनल लगाएं। लिप बाम लगाने के बाद कुछ देर रुकें ताकि लिप बाम अच्छी तरह से लिप पर एब्जॉर्ब हो जाए। स्टेप नंबर 3, अपने लिप्स को लिप लाइन करें। ऐसा सेट चुनें जो आपके लिप्स के नेचुरल कलर के आसपास ही हो। एक बार जब आप लिप्स की लाइनिंग कर लें, फिर लिप्स को लिप लाइनर से भर लें। इससे लिप कलर में फ़र्क नहीं आएगा और एक जैसा लगेगा। यह आपके लिक्विड लिपस्टिक को एक अच्छा बेस देगा। स्टेप नंबर 4, आप अपनी पसंद की कोई भी सेट चुनें और इसे अपने लिप्स के बीचों बीच से भरना शुरू करें, ना कि किनारों से। इससे लिप्स का शेप बनाने में आसानी होगी और आपके लिप्स भरे हुए लगेंगे। स्टेप नंबर 5, अपने लिप्स को फाइनल टच देने और ठीक से डिफाइन करने के लिए कंसीलर यूज़ करें। अगर थोड़ी सी भी लिपस्टिक फैल गई है तो उस कंसीलर से ठीक किया सकता है। इसके लिए एक फ्लैट ब्रश पर थोड़ा सा कंसीलर लें और लिप्स के किनारों पर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत होंठ लगेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।